देखो हुंडई कंपनी इंडिया की बेस्ट कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि इंडियन मार्केट में काफी ज्यादा कारों को बेचती है और कंसिस्टेंटली अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रही है। आज के डेट में हुंडई के लाइनअप में सीडान कार से प्रीमियम सेगमेंट की और एंट्री लेवल सेगमेंट की हैचबैक कार से एसयूवी कार्स भी आपको अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी। लेकिन बहुत जल्दी हुंडई की तरफ से कुछ न्यू कारों को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाएगा जिनका इंतजार लोग काफी दिनों से कर रहे हैं। यानी मोस्ट अवेटेड कारों को हुंडई की तरफ से बहुत जल्दी लॉन्च किया जाना है। तो इस वीडियो के अंदर में उन चार कारों के बारे में डिटेल में बात करूंगा जो कि लॉन्च होने के बाद डेफिनेटली तबाही सी मचा देगी। फर्स्ट नंबर पर हुंडई की स्टारगेजर आती है जिसको ऑलरेडी ग्लोबल मार्केट में लॉन्च किया गया है और ये हुंडई की तरफ से एक फ्रेश प्रोडक्ट रहेगा इंडिया में और ये एक 7 सीटर एमपीवी कार होने वाली है। जब ये कार इंडिया में लॉन्च हो जाएगी तो इसका मुकाबला रहेगा अर्टिगा के साथ और ये कम्पीट करने वाली है किया करेंस के साथ। मेरे हिसाब से ये कार अर्टिगा और किया करेंस को टक्कर नहीं दे पाएगी क्योंकि इसका लुक दिखने में थोड़ा सा अजीब सा लगता है। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हो सकते है जिनको इस कार का लुक अच्छा लग सकता है और कुछ लोगों को इस कार का लुक बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग सकता। इसका फ्रंट का फीचर, रियर का फीचर और साइड का प्रोफाइल देखने के बाद ऐसा लगता है कि हुंडई कंपनी ने एक वैन को तैयार किया है। मेरे को तो यही लगा, आपको क्या लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। इंटीरियर की बात करूं तो इस कार के इंटीरियर में आपको अच्छे खासे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे और मेरे हिसाब से इस कार की पोजीशन अल्केजर के नीचे होने वाली है। तो इस कार की कीमत 8 या फिर 9 लाख रुपए से शुरू हो सकती है या फिर 10 लाख रुपए के ऊपर भी इस कार की कीमत चली जा सकती है क्योंकि इसके इंटीरियर के फीचर्स को देखकर ऐसा लगता है कि इस कार की पोजीशन अल्केजर के नीचे रहेगी। तो डेफिनेटली इस कार की कीमत आपको थोड़ी सी कम देखने को मिलने वाली है। हुंडई कंपनी इस कार को अगले 1-2 महीनों के अंदर इंडियन मार्केट में रिवील करेगी, उसके बाद इसको ऑफिशियली इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। सेकंड नंबर पर एक माइक्रो एसयूवी कार है जो कम्पीट करेगी टाटा पंच के साथ। इसके अलावा मारुति सुजुकी इग्निस के साथ हुंडई की इस कार का मुकाबला होने वाला है। इस कार को फिलहाल के लिए कोड नाम दिया है AX1। शायद प्रोडक्शन रेडी मॉडल का नाम थोड़ा सा अलग रह सकता है। इस कार का एक वर्जन ऑलरेडी ग्लोबल मार्केट में बिकता है कैस्पर नाम से। शायद सेम मॉडल को हुंडई कंपनी इंडियन मार्केट में लॉन्च कर सकती है या फिर आपको एक्सटीरियर में बदलाव देखने को मिल जाएंगे। यानी फ्रंट का लुक थोड़ा सा अलग हो सकता है, इंटीरियर में काफी ज्यादा बदलाव हुंडई कंपनी कर सकती है। इस कार के अंदर आपको एक पेट्रोल इंजन का ऑप्शन मिलेगा जिसके तहत आपको ठीक ठाक पावर आउटपुट मिल जाएगी और इस कार की पोजीशन हुंडई वेन्यू के नीचे रहेगी। तो इस कार की कीमत लगभग 6 या फिर 6.5 लाख रुपए से शुरू हो सकती है। आपको क्या लगता है हुंडई की इस माइक्रो एसयूवी कार की कीमत कितनी होनी चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। और मुझे पर्सनली ये लगता है कि ये कार टाटा पंच को बिल्कुल भी टक्कर नहीं दे पाएगी क्योंकि आज के डेट में माइक्रो एसयूवी सेगमेंट के अंदर टाटा पंच का ही राज चल रहा है। थर्ड नंबर पर हुंडई की वर्ना आती है, यानी न्यू जनरेशन वर्ना को 21 मार्च को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाना है। जिन लोगों को पता नहीं मैं आपको बताना चाहूंगा, न्यू जनरेशन वर्ना रेडी है इंडियन मार्केट में लॉन्च के लिए और इस कार के बुकिंग्स भी स्टार्ट हो चुके हैं। 25,000 रुपए देकर आप न्यू जनरेशन वर्ना को बुक कर सकते हैं और इस कार के अंदर हुंडई कंपनी ने काफी बड़े बड़े बदलाव करे हैं। इसके ऊपर ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो मैंने बनाया है, लिंक आपको आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उस वीडियो के अंदर मैंने सभी चीजों को कवर किया था, यानी न्यू जनरेशन वर्ना के एक्सटीरियर में आपको क्या क्या बदलाव देखने को मिल जाएंगे, इसका इंटीरियर कैसा रहेगा, इसकी प्राइस कितनी रहेगी, इसके इंजन स्पेसिफिकेशन के तौर पर आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी, सब कुछ चीजें मैंने उस वीडियो के अंदर कवर करी थी। तो वो वीडियो भी आप जरूर चेकआउट कर सकते हैं अगर आपको न्यू जनरेशन वर्ना के बारे में और इन्फॉर्मेशन लेनी है। तो ऑफिशियली 21 मार्च को न्यू जनरेशन वरना इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाली है, यानी अगले महीने इसको ऑफिशियली लॉन्च किया जाएगा। जो लास्ट कार आती है जिसका इंतजार लोग काफी दिनों से कर रहे हैं लेकिन इस कार के लॉन्चिंग में आपको थोड़ा सा डिले देखने को मिल जाएगा, वो है हुंडई की क्रेटा। क्रेटा का फेसलिफ्ट मॉडल इंडियन मार्केट में इस साल के एंड तक या फिर इस दिवाली के आसपास लॉन्च हो सकता है और क्रेटा फेसलिफ्ट मॉडल के अंदर आपको काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिल जाएंगे। इसको ऑलरेडी ग्लोबल मार्केट में लॉन्च किया गया है, अब बारी है इंडिया में लॉन्च करने की। लेकिन मेरे हिसाब से जो करंट क्रेटा इंडियन मार्केट में बिक रही है उसकी डिमांड काफी ज्यादा है, उसी वजह से हुंडई कंपनी क्रेटा के फेसलिफ्ट मॉडल का लॉन्च थोड़ा सा डिले कर रही है। इसका स्टॉक पहले खत्म किया जाएगा, उसके बाद न्यू क्रेटा को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। अगर मैं चेंजेस की बात करूं यानी बदलाव की बात करूं तो क्रेटा के फेसलिफ्ट मॉडल के एक्सटीरियर में आपको काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिल जाएंगे। इसका फ्रंट का फीशा टीसॉन से इंस्पायर्ड रहेगा, आपको कंप्लीटली न्यू ग्रिल का सेटअप मिलेगा और सेम ग्रिल का सेटअप आज के डेट में वेन्यू के अंदर दिया जाता है, टीसॉन के अंदर दिया जाता है,
सेम चीज अब आपको क्रेटा के अंदर भी देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा ट्यूसन वाला ही एलईडी डीआरएल का सेटअप आपको क्रेटा के अंदर बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा फ्रंट के बम्पर्स, रियर के बम्पर्स को रीडिजाइन किया जाएगा। इंटीरियर में भी आपको काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिल जाएंगे। और इंजन स्पेसिफिकेशंस के तौर पर तो ये चार कार्स थी जिनको हुंडई की तरफ से बहुत जल्दी इंडिया में लॉन्च किया जाना है। मैं पर्सनली क्रेटा के लिए वेट कर रहा हूँ, इसके अलावा न्यू जनरेशन वर्ना के लिए वेट कर रहा हूँ। इन चारों में से आप किस कार का इंतजार कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जिनको आने वाले समय में हुंडई की एक नई कार लेनी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लेना।